नमस्कार दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हमारे अगला जो पार्ट था एमसीक्यूज का, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, चलिए हम इसे स्टार्ट करते। तो वीडियो को देखने से पहले लाइक एवं शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, विजय एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते। तो ये रहा क्वेश्चन हमारा 21 नंबर का। शेषावस्था में संवेगनात्मक विकास की प्रक्रिया के संबंध में के एम ब्रिजेज द्वारा प्रस्तुत तथ्य कौन सा नहीं है। तो कौन सा तथ्य नहीं है ये इसमें हमें देखना है। तो ये दिया है, संवेगों का विकास अस्पष्टता की ओर होता है, विशिष्ट संवेग मंद गति से आदत से जुड़ता है, शारीरिक विकास का संवेगात्मक विकास से संबंध नहीं है, और डी दिया गया ऑप्शन, 24 माह के बालक दुख एवं प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही जो इसका आंसर होगा वो होगा नंबर सी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, शारीरिक विकास का संवेगनात्मक विकास से संबंध नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी विशेषता बालकों के बाल्यावस्था में नैतिक विकास से संबंधित नहीं है। ए दिया है हम की भावना का विकास होना, बी दिया है न्याय एवं ईमानदारी की भावना का विकास, सी आदर्श व्यक्तित्व का चुनाव करना, और डी दिया है ईर्ष्या की भावना का विकास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा डी, ईर्ष्या की भावना का विकास, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, विद्यालय में नैतिक भावना के विकास के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक प्रभावी होगा। विद्यालय में नैतिक भावना के विकास के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक प्रभावी होगा। तो ए दिया है ऑप्शन, छात्रों को समूहों में कार्य प्रदान करना, छात्रों को मानवीय एवं नैतिक गतिविधियों के लिए पुरस्कृत करना, सी दिया है ए तथा बी दोनों, और डी दिया है छात्रों के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को महत्व देना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है सी, ए और बी, मतलब ये भी सही है और ये भी सही, दोनों इसमें सही होंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। परिवार में छोटे भाई बहनों द्वारा बड़े भाई बहनों के प्रति सम्मान तथा बड़े भाई बहनों द्वारा छोटों के प्रति प्रेम का प्रदर्शन सिद्ध करता है, क्या सिद्ध करता है। ए ऑप्शन दिया है नैतिक विकास को, बी सामाजिक विकास को, सी ए तथा बी दोनों, और डी आध्यात्मिक विकास को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा सी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नैतिक विकास की प्रक्रिया को किसके द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता। ए ऑप्शन परिवार, बी समाज, बी सी विद्यालय, और डी भाषा विविधता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, भाषा विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, बालकों के संवेगनात्मक विकास के सर्वोत्तम स्वरूप के लिए परिवार का स्वरूप नहीं होना चाहिए। ए आत्मीयता से संपन्न, बी सकारात्मक व्यवहार से संपन्न, सी विश्वास एवं समर्पण से संपन्न, डी शत्रुता एवं भेदभाव से संपन्न। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी, शत्रुता एवं भेदभाव से संपन्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, संवेगनात्मक विकास के लिए विद्यालय में कौन सी गतिविधि उपलब्ध होनी चाहिए। ए समूह में कार्य प्रदान करना, बी शिक्षक एवं छात्रों के मध्य सर्वोत्तम संप्रेषण, सी ए तथा बी दोनों, और डी रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम की उपलब्धता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, ए तथा बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक द्वारा विद्यालय में छात्रों के समक्ष भेद भावपूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन किया जाता है, इससे छात्र का कौन सा विकास प्रभावित होता है। एक शिक्षक है और शिक्षक के द्वारा यदि विद्यालय में किसी छात्र के साथ अगर भेदभाव होगा तो क्या होगा, तो कौन सा विकास इससे प्रभावित होगा।
तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ए संवेदनात्मक विकास, बी भाषाई विकास, सी शैक्षिक विकास और डी मूल्यों का विकास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए संवेदनात्मक विकास, ए संवेदनात्मक विकास इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार में माता पिता द्वारा बालकों को अधिक प्रेम तथा बालिकाओं को कम प्रेम किया जाता है, इस व्यवस्था से बालिकाओं का कौन सा विकास प्रभावित होता है, ए मानसिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी शारीरिक विकास, डी भाषा विकास। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 29 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानसिक विकास प्रभावित होगा, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक के विकास पर कुपोषण का प्रभाव किस रूप में देखा जाता है, बालक के विकास पर कुपोषण का प्रभाव किस रूप में देखा जाता है, बालक के शारीरिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव के रूप में, बालक के मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव के रूप में, सी ऑप्शन दिया है ए तथा बी दोनों और डी ऑप्शन दिया गया भाषाई विकास पर नकारात्मक प्रभाव के रूप में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा सी ए तथा बी दोनों इसके करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, एक बालक का विकास सामान्य रूप से समन्वित रूप से होता है, बालक के विकास की प्रक्रिया को माना जाएगा, निरंतरता के विकास की प्रक्रिया, बी अनिरंतरता की विकास की प्रक्रिया, सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों और डी उच्च स्तरीय विकास की प्रक्रिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ए निरंतरता के विकास की प्रक्रिया, ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक का विकास यकायक परिवर्तन को प्रभावित प्रदर्शित करता है तो उसके विकास की प्रक्रिया को माना जाएगा, एक बालक का विकास यकायक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है तो उसके विकास की प्रक्रिया को माना जाएगा, ए निरंतरता के विकास की प्रक्रिया, बी अनिरंतरता के विकास की प्रक्रिया, सी ए तथा बी दोनों और डी उच्च स्तरीय विकास की प्रक्रिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा बी अनिरंतरता के विकास की प्रक्रिया, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के विकास को प्रभावित करने में बालक के किस प्रकार के अनुभवों का योगदान होता है, बालक के विकास को प्रभावित करने में बालक के किस प्रकार के अनुभवों का योगदान होता है, ए प्रारंभिक अनुभवों का, बी बात के अनुभव का, सी ए तथा बी दोनों और डी जीवन मूल्यों का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा सी ए तथा बी दोनों आ जाएगा इसका सही आंसर, सही आंसर क्या होगा सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, एक बालक को उसके प्रारंभिक जीवन में प्रेमपूर्ण व्यवहार, अच्छा भोजन तथा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की उपलब्धता प्रभावित करती है, ऑप्शन दिए गए इसके चार, शारीरिक विकास को, मानसिक विकास को, नैतिक विकास को, सर्वांगीण विकास को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वांगीण विकास को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यावस्था में बालिकाओं में किस ग्रंथि का विकास होता है, बाल्यावस्था में बालिकाओं से किस ग्रंथि का विकास होता है, ए इलेक्ट्रा ग्रंथि, बी आडिपस ग्रंथि का, सी ऑप्शन दिया गया ए तथा बी दोनों और डी पिट्यूटरी ग्रंथि का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर इसका है ए इलेक्ट्रा ग्रंथि का, ए इसका करेक्ट आंसर है, ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में बालकों में किस ग्रंथि का विकास होता है, बाल्यावस्था में बालकों में, अब बालकों का यहाँ पूछा गया है, तो बाल्यावस्था में बालकों में किस ग्रंथि का विकास होता है, ए इलेक्ट्रा ग्रंथि का, डी बी आडिपस ग्रंथि का, सी ए तथा बी दोनों और डी पिट्यूटरी ग्रंथि का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा बी आडिपस ग्रंथि का, बी आडिपस ग्रंथि का, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण बालिका के व्यवहार पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण बालिका के व्यवहार पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, चलिए चार ऑप्शन को देखते हैं, बालिका ए दिया गया है, बालिका अपने पिता के प्रति प्रेम प्रदर्शित करती है, बालिका भाई के प्रति प्रेम प्रदर्शित करती है, बालिका अपनी बहन के प्रति प्रेम प्रदर्शित करती है,
बालिका अपनी माता के प्रति प्रेम प्रदर्शित करती। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, बालिका अपने पिता के प्रति प्रेम प्रदर्शित करती है, ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया गया है, आडिपरस ग्रंथि का बालक के व्यवहार पर किस प्रकार का प्रभाव होता है? आडिपरस ग्रंथि का बालक के व्यवहार पर किस प्रकार का प्रभाव होता है? ए, बालक अपने पिता के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है। बालक बी दिया है, बालक अपनी माता के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है। सी, बालक अपनी बहन के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है। और डी, बालक अपने भाई के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका 38 का सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, बालक अपनी माता के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में किस तथ्य को सम्मिलित नहीं किया जाता? सामाजिक विकास की प्रक्रिया में किस तथ्य को सम्मिलित नहीं किया जाता? ए, सांस्कृतिक विकास को। ए, सांस्कृतिक विकास को। बी, परंपरा को सीखने की प्रक्रिया। सी, सामाजिक सहभागिता में वृद्धि को। डी, आदर्शवादिता को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, आदर्शवादिता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक के माता पिता की सामाजिक स्थिति उपेक्षित, गरीबी एवं दयनीयता से ग्रसित है। बालक के किस विकास पर सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव होता है? तो सही ऑप्शन दिए गए इसके चार ऑप्शन, मानसिक विकास पर, संवेदनात्मक विकास पर, ए तथा बी दोनों, और डी भाषाई विकास पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा इसका सी, ए तथा बी, यानी कि मानसिक विकास पर एवं संवेदनात्मक विकास पर। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। चलिए वीडियो के साथ हमारे बने रहने के लिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।